थैंक यू आशुतोष, ये सेशन काफी इम्पोर्टेंट था और आप लोगों ने जितना कुछ यहाँ सीखा दैट वाज मोर ऑफ फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो मेरा है अभी मैं जिस एरिया में आपको देखूंगा उस एरिया में आप लोग ऑलरेडी बहुत मास्टर हो, तो मैं बिल्कुल ब्रीफ टच करूंगा। जहाँ भी अगर आपको लगे कि कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या कुछ वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को कुछ बताना है तो भी मैं डेफिनेटली दूंगा। जितनी लेट स्टार्ट करेंगे उतनी तकलीफें बढ़ेंगी, ठीक है? और हम लोग रॉयल कैनिन एज ए कंपनी और आप एज ए ब्रीडर और पेट पेरेंट, हम लोग सब एक ही चीज चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? डॉग्स एंड कैट्स का भला चाहते हैं, राइट? और जो पपी केयर जो स्टार्ट होता है ना वो मदर से स्टार्ट होता है। हम लोग सब जानते हैं अच्छी मदर, अच्छी क्वालिटी की ब्रीड, अच्छे क्वालिटी का खान पान, अच्छा सब कुछ, सब सारी चीजें। तो हम लोगों ने ये बोला यहाँ पर कुछ भी लॉजिक लगाने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा क्या करें बीज की मेटिंग के पहले। सपोज करो बीज के पहले आप बीज को रेडी कैसे करते हो, थोड़ा बताओ। बाकी लोग जो नए लोग हैं वो जानकार बने, बीफोर के बाद ही रेडी होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, अच्छा प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं बीफोर सुन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया किया सब उनका हेल्थ चेक करो, हेल्थ में क्या चेक करोगे, उनका वेट चेक कर लो, वैक्सीनेशन स्टेटस चेक कर लो, लीवर में का सर्टिफिकेट हो गई है, उसके बाद आप अपने ये कुछ प्लान करो। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में मैं जाऊंगा। ओवरऑल हिस्स स्टेटस में क्या है, बॉडी कंडीशन स्कोर। अगर ज्यादा ओबीज है तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, ज्यादा लीन है तो फर्टिलिटी के चांसेस घटेंगे। अब उनमें मस्टाइटिस की प्रॉब्लम, मस्टाइटिस मतलब उसके मेमोरी ग्लैंड, उसका ये सब जो उसमें है, कभी कभी इंफेक्शन हो जाता है, राइट सर? उसमें अगर प्रॉब्लम है या दूध में कभी कभी एसिडिक मिल्क हो जाता है, पोस्टमार्टम प्रॉब्लम आता है, मस्टाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे में अगर बार बार ये प्रॉब्लम आता है तो उसको ब्रीड मत करो, या पहले से ही प्लान करके रखो कि हम अपना जब हमारा डिलीवरी हो जाएगी जब उसके होगा तो हम उसके बाद करेंगे। वैक्सीनेशन का स्टेटस चेक कर लो, वैक्सीनेशन अप टू डेट रहे तो आपकी बच्चे के अंदर जो टाइटर होगा वो बेटर रहेगा। नहीं किया जा सकता है लेकिन इट इज ऑलवेज सेफ टू डू इट बिफोर हैंड, ठीक है? डिवर्मिंग आप लोग रेगुलरली करते ही रहते हो तो डिवर्मिंग कर लेना, एज ऑफ मदर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार होता है कि आपका उस टाइप का एट द सेम टाइम जिसकी भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, जिसमें कुछ खराब टेंडेंसी हो, लेमनेस की टेंडेंसी हो, वन आइड हो, बल्जिंग आइड्स की टेंडेंसीज हो, ये सब सबको सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। नहीं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस, देयर आर वेरी हाई कोरिलेशन कि वो नेक्स्ट प्रोजेनी में आ जाएगी। अगर नेक्स्ट प्रोजेनी में आ जाएगी वो कहीं और से ब्रीड करेगा तो ये आपकी सोसाइटी बनेगा, राइट? यहाँ पे जैसे आशुतोष ने बताया था HT42B, ये हमारे लिए रामबाण है। पहले उन्होंने क्या बताया कि पहले जो तीन पार्ट में अगर हम प्रेगनेंसी को बांटे, अगर ह्यूमंस में है तो तीन तीन महीने के 9 महीने होते हैं, वैसे ही यहाँ पे 30 से 31 दिन के, तो 30 से 31 दिन के 42 दिन के 2 पार्ट। इस पूरे ड्यूरेशन में वेट गेन बहुत कम होता है, लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में सारे ऑर्गन फॉर्मेशन होते हैं, हार्ट बनेगा, लंग्स बनेगा, लिवर बनेगी, किडनी बनेगी, सब चीज बनेगा। तो आपको हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑलिक एसिड से लेके हर एक चीज। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर उनको स्टार्टर देने लगते हैं या हाई एनर्जी फूड देने लगते हैं तो उनमें एनर्जी बढ़ जाती है जबकि उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ी हुई होती है। तो हम लोग ऐसे कैंप में क्या फूड दें जो लो एनर्जी बट वेरी हाई ऑन न्यूट्रिएंट क्वालिटी। इसीलिए इनका नाम आप HT42D रखा, सही से याद रखने के लिए, हीट वाले दिन से लेकर 42 डेज तक, राइट? इसमें काफी सारी अच्छी चीजें हैं जो आशुतोष ने बताई अभी। अब व्हेन शुड माय फीमेल डॉग बी मेटेड ड्यूरिंग कमिंग्स, आप लोगों कितने कितने दिन में, कौन कौन लोग हैं जो थंब रूल यूज करते हैं? आप सब प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट यूज करते हैं, अदर्स और कुछ लोग हैं जो थंब रूल यूज करते हैं? थंब रूल मतलब आप देख लेते हैं यहाँ पे
उसमें से कभी भी बीच के 2 से 3 दिन में ओव्यूलेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मेटिंग तब कराएं जब ओव्यूलेशन हो जाए तो स्पर्म और ओवा जाकर कनेक्ट करेंगे तब जाके जाइगोट बना देंगे। अगर मैंने पहले मेटिंग करा दी और उस 3-4 दिनों के ड्यूरेशन में 3-4 दिन के बाद अगर ज्यादा हो तो स्पर्मेटोजोआ अगर डिस्ट्रॉय हो गया मेरा वेस्ट, बाद में कराई तो इधर वेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि 2-3 डेज का बीच का टाइमिंग होता है। हम लोगों को पता लगना चाहिए कि वो प्रिसाइज 2-3 डेज कौन से हैं और उस 2-3 डेज में, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ की लाइफ भी 2-4 डेज ही है, अगर वो दोनों एक साथ आएंगे तो चांसेस क्या रहेंगे, नंबर ऑफ ये विविड टेरस है ना, नंबर ऑफ लिटर्स ज्यादा होंगे, सिंगल लिटर वाली टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कुछ टेस्ट करा लिए जाए। अब ये देख लो ऐसी ये डोलता रहता है, कभी अगर ये दोनों एक जगह साइमल्टेनियसली नहीं हुए ना तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि 10-13 डे के बीच में अगर 0 डे के बाद करती है कभी कुछ नहीं होता है या बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे अगर है यहीं पे आपने अगर आप देखिए स्पर्मेटोजोआ को यहीं पे मेटिंग करा दी और स्पर्मेटोजोआ यहाँ से प्रेजेंट रहा तो वो 2-3 दिनों के ड्यूरेशन में आपका मेटिंग हो जाएगी, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। इसको कैसे पता लगाते हैं, तो पहला टेस्ट जो पहले आता था वजाइनल स्मीयर टेस्ट, ये थोड़ा सा रॉ टेस्ट है, बहुत सारे लोग जो वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट है वो उसका स्मीयर बनाते हैं और स्मीयर को टेस्ट करते हैं। वो जो टेस्ट है इस टाइप के टेस्ट में जब सेल्स दिखने लगती है इस पर्टिकुलर स्टेज में वो बताते हैं कि जाकर के मेटिंग करा दीजिए। एट द सेम टाइम प्रोजेस्टेरोन का डोजेज वगैरह को आप चेक करते हैं, जैसे सर ने चेक किया क्या होता है प्रोजेस्टेरोन की जस्ट जैसे ही होता है ना एक टाइम ओव्यूलेशन के ठीक पहले एलिक सर्ज बोलते हैं, हल्का सा प्रोजेस्टेरोन का लेवल जाता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है 20-30 नैनोग्राम के करीब का बढ़ता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, कुछ बड़े लोगों में तो और ज्यादा है। ये जो एलिक सर्च वाला जो टाइम है पर्टिकुलर टाइम है उस पर्टिकुलर जो 4-9 के बीच का है वो आपको डॉक्टर्स अपने यहाँ जो टेस्ट करते हैं उसमें आपको किट से बता देंगे कि ये एक पर्टिकुलर टाइम हो गया है अब आप इसकी कटिंग कराओ, राइट। इसके बाद अल्ट्रासाउंड से भी लोग इसको जज कर सकते हैं। अब देखिए इसे एडवांटेज क्या है, राइट टाइम पे अगर किया तो नंबर ऑफ लीटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि एक साथ तो कई लीटर हो सकते हैं ना, तो अगर मान लीजिए कि पहले कराया हुआ है तो हो सकता है कि कुछ जैसे स्पर्म के सारे स्पर्म का मॉर्टेलिटी अगर मान लीजिए कि 70-80% स्पर्म मॉर्टल हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है 20% वाला जो स्पर्म है वो 1-2 फर्टिलाइज कर देते तो आपको एक ही जो बच्चे एक ही बच्चा मिलेगा। लेकिन अगर आपको उस पर्टिकुलर टाइम में है तो एक नॉर्मल जो नॉर्मल विगर का है वो भी फर्टिलाइज कर सकता है तो आपको एक अच्छा मिलेगा। इसके लिए मेटिंग का उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में फीमेल्स भी बहुत ही रिसेप्टिव रहती है तो आपको बहुत ज्यादा चांस रहेंगे कि इजीयर मेटिंग होगी, रिफ्यूजल नहीं होगा और आपको क्लियर कट पता होगा 63 डेज का प्लस माइनस 1-2 डेज, यही मेरी डिलीवरी डेट है। तो एटलीस्ट लास्ट के स्टेज में आपके वो इतना टेंशन नहीं होगा कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं उधर जाऊँ कि ना जाऊँ, और जिसके जिन्होंने आपके बेडरूम वगैरह में रख रखा है वो लोग, क्योंकि कई बार होगा कि आपकी सिचुएशन आप केयर में नहीं रख सकते, उनको काम एनवायरमेंट चाहिए, आप बहुत सारे लोग अपने बेडरूम के आसपास रखते हैं और वो खुद भी चाहती है कि अपने ओनर्स के आसपास रहे, आपको खुद को एंग्जियस नहीं हो, आपको खुद को काम रहना है, ये सब सारी चीजें की सिचुएशन के लिए आप बेटर प्लान कर सकते हो। और आपको प्रेगनेंसी है कैसे जज करेंगे कि प्रेगनेंट है कि नहीं है, एक ओनर टेक्निक वेट करते हैं देखते हैं पता तो चल ही जाएगा। और डॉग्स और बिचेज में एक अच्छी बात है ना सूडो प्रेगनेंसी भी होती है वो कभी कभी यार पता चल रहा है एकदम मस्त बराबर सब कुछ चल रहा है और उसके बाद सूडो प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे करें। वेट्स की टेक्निक 25-30 दिन के बाद ना जब पालपेट करोगे नीचे से तो जब आपका वेट बताता है तो पालपेट करके आपको बताया जा सकता है कि
प्रेग्नेंट है कि नहीं है, 100% लगभग यह नहीं बताया जा सकता कि कितने बच्चे हैं, वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये बताया जा सकता है कि 25 से सबसे अच्छा गोल्ड स्टैंडर्ड है अल्ट्रासाउंड। उसके बाद चीजें आपको पता लग गई। 25 दिन के बाद से मेटिंग के लिए, मेटिंग के बाद से किट है, और प्लासेंटल हार्मोन जो होते हैं ना, प्लासेंटल कुछ हार्मोन्स की किट आते हैं, उनसे भी आप टेस्ट कर सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो ये है, यहाँ पॉजिटिव होंगे तो दोनों साइड में, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दोनों साइड में एक 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 नॉर्मल का होता है जो कि और दोनों दो दो बार्स दिखाई देंगे आपको। एक्सरे 45 डेज के बाद सेफली किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक्सरे में हार्म भी होता है, लेकिन 45 डेज के बाद एक दो बार सेफली किया जा सकता है, राइट। अब एक्सेप्ट फॉर फूड चेंजेस यू लाइक टू एनीथिंग एल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फूड तो ठीक है, हम न्यूट्रिशन वाली कंपनी है, आपको बता रहे हैं कि फूड वगैरह चेंज करना चाहिए, लेकिन फूड के अलावा भी बहुत कुछ चेंज करना चाहिए। आप एकदम काम स्पेस प्रोवाइड कीजिए। अच्छा, जितने भी है ना, आप लोगों को मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, रॉयल कैनिन एकेडमी का एक कोर्स है। रॉयल कैनिन एकेडमी कितने लोगों के नाम से कुछ लोग परिचित होंगे, सुना है आप लोगों ने रॉयल कैनिन एकेडमी, आपने सुना है सर। उसमें ना ब्रीडर स्पेसिफिक हम लोगों ने कुछ कोर्सेज फ्लोट किए हैं, और अभी हम फ्लोट करेंगे मैटरनिटी के ऊपर। उस कोर्स को करो, आपको लिटरली यू विल एंजॉय डूइंग इट, और आपको काफी सारी नॉलेज भी होगी। तो एक काम नॉर्मल एक्टिविटी के लिए है, डिवर्मिंग वगैरह आपने कर लिया, और उस समय कोई भी मेडिसिन देना है तो मेडिसिन देने के पहले अपने वेट से पूछ लो। कई सारी मेडिसिन्स का मैकेनिज्म, फैक्शन, उनका साइड इफेक्ट टेराटोजेनिक होता है, बीच में कहीं कोई अंग भंग हो जाएगा, कुछ ये हो सकता है। तो आप मेडिसिन, खासकर एंटीबायोटिक्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स या ये सब, आप एंटीबायोटिक्स देने से बचिए। डॉक्टर को पता है, अगर वो जज कर लेगा कि मेरे को बेनिफिट ज्यादा है कि लॉस ज्यादा है, उसके बेसिस पे वो कॉल ले सकता है। आप अपने आप से इस कॉल को मत लीजिए। रॉयल कैनिन का जैसे है बर्थ एंड ग्रोथ एक प्रोग्राम है, उस पर आप रजिस्टर कर लीजिए। हर एक दिन आपको SMS वो चीजें आती रहेंगी, आपको कुछ अंदाजा मिलता रहेगा कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। अगर कुछ नहीं है तो आप अपने ब्रीडर ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं। व्हाट मस्ट आई प्रिपेयर फॉर डिलीवरी? काम रूम तो आप डेफिनेटली, क्योंकि अगर बिच एंग्जियस हुई तो डिस्टोकिया, डिस्टोकिया जैसे डिफिकल्ट जिसमें डिलीवरी में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो तो छोड़िए। काम रूम तो ठीक है, आपको खुद को काम रखना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में आए, खासकर जो बीच का हैंडलर है वो स्ट्रेस में आया, तो बीच उसको देख के स्ट्रेस में आए, आपको खुद को भी काम रखना है। अगर आप काम रहेंगे तो चीजें शांति से चलती रहेंगी। इमरजेंसी में पहले वेट का फोन नंबर रख लीजिए, इसके अलावा क्या रख लीजिए, वेइंग स्केल रख लीजिए, पेपर टॉयल साफ करने के लिए रख लीजिए, ग्लव्स रख लीजिए, मदर के को कुछ लीक वगैरह कर लिए बूस्टर वगैरह कुछ रख लीजिए, मिल्क रिप्लेसर, अगर मान लीजिए कि हो सकता है मिल्क ना आ पाए तो मिल्क रिप्लेसर या मिल्क का जो सब्स्टिट्यूट है, जैसे हमारा पपी प्रोटेक्ट है, पपी प्रोटेक्ट के बारे में बताएंगे हम, उसको रख लीजिए पहले से, ठीक है। ये इसको पहले से रख लेने में क्या होगा, आपका कम से कम इस तरफ से माइंड फ्री रहेगा कि कुछ चीज है, अगर कुछ बिगड़ी तो मैं वेट को मेरे पास रखा है, और वेट को आप पहले से इन्फॉर्म करके रख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे वेट्स ऐसे कॉल लेते हैं। अब देखना होगा कि फर्स्ट फ्यू वीक्स में आप सपोज करो कि वेल्पिंग होएगी, या मान लीजिए वेल्पिंग होगी, तो वहां पे और क्या है, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, वहां बहुत ज्यादा ना ठंडक होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, बल्ब जला के रख दीजिए, और वो क्या 100 वाट वाला बल्ब, अगर नॉर्मल, अगर मैं बिल्कुल नहीं है, अगर और उसको थोड़ा ऊंचाई पर रखिए, ठीक है। अगर देख रहे हैं कि सारे सारे पपीज पैदा होने के बाद वो हार्डली कर रहे हैं, एक जगह जमा हो रहा है, तो उसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, तो वो अगर वो बिल्कुल ठीक से है, सब तब इक्वली स्प्रेड है, तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे कर दिया और सबके साथ कोने में सब सिम्टम है, तो वो आपको बल्ब को ऊपर कर लेना है, राइट। इससे क्या होगा, आप उनको हाइपोथर्मिया से बचा सकते हैं। आपका पंजाब का एरिया, हमारी तो हालत हाइपोथर्मिया से खराब हो रही है, लेकिन
उनको बचाना है। सबसे बड़ा जो डेथ का कॉज होता है फर्स्ट 7 डेज और 10 डेज हाइपोथर्मिया होता है। दूसरा सब कुछ ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं ना 10 लीटर हुए मान लीजिए, सब कुछ 10 बच्चे में से 8 बच्चे तो बड़े सही निकलते हैं, 2 बच्चे हैं या तो कमजोर निकलते हैं या फिर बिल्कुल ही एकदम सुस्त होते हैं, ठीक है। और कुछ तो नॉर्मल जन्म लेते हैं, बाद में धीरे 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 वजन घटता चला जाता है, जिसको फेडिंग पॉपी सिंड्रोम बोलते हैं, राइट। तो मैं इन तीनों को भी टच बेस करूंगा, मैंने इसको फर्स्ट इसलिए फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में हर दिन वजन बढ़ना चाहिए। अगर किसी 2 दिन कंसिस्टेंटली वजन सेम है या घट रहा है, अलर्ट होना चाहिए, आप अलर्ट मोड में चले जाए। इसके अलावा उनको एम्पल आराम करने दीजिए, जितना आराम करेंगे मिल्किंग होगी जितना ये होगा, और प्रॉपर और काम एनवायरमेंट अपनी प्रोटेक्ट पे आ जाओ, ये आपके सारे बच्चों को बचा ले जाएगा, ऐसी सिचुएशन में छोड़ना ही नहीं, राइट। अच्छा एक और चीज देखो, ये एक स्कोर है जिसको बोलते हैं एफगर स्कोर। एफगर स्कोर ह्यूमंस में ह्यूमन बेबी जब बच्चा पैदा होता है ना उसके लिए फर्स्ट 5 मिनट 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में इसको चेक करते हैं। ए फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस में देखो पहले तो सारे बच्चे पैदा होते तो ब्लू ही देखते, ठीक है, जब उनका म्यूकस निकाल दिया और उसमें ये देख लिया तो अपीयरेंस में आकर वो पिंकी समझने लगे, ओके। पल्स देखो, पल्स अगर है, पल्स एक नॉर्मल रेंज में, बहुत ज्यादा हाई नहीं है बहुत लो भी नहीं है, फीबल पल्सेस भी रहते हैं लेकिन पल्स है तो ठीक है। ग्रिमेस, ग्रिमेस मतलब अगर कुछ भी उनको इरिटेट कर, ग्रिमेस मतलब गंदा समूह बना, अगर उनको थोड़ा भी इरिटेट किया तो बच्चे या तो आवाज कर रहे हैं या फिर गंदा समूह बना रहे हैं, तो आप समझो कि बच्चे सही है। इसके अलावा एक्टिविटी, थोड़ा सा पांव खींचा वापिस खींच लिया, थोड़ा सा नाक के पास हाथ लगाया तो इधर उधर सब घुमाया, ये एक्टिविटी का पार्ट है, राइट। अगर जिसमें मतलब मसल टोन। इसके अलावा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रेट होना चाहिए, बच्चे सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब को आप ऐसे करो, अगर बिल्कुल ये चीजें एब्सेंट है तो 0 मार्क्स देना, अगर स्लाइटली प्रेजेंट है तो 1 मार्क्स देना, और बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट है तो 2 मार्क्स देना, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट मिला करके 10 टोटल पॉइंट होते हैं, ये 10 में से अगर 7 का स्कोर आता है, ठीक है, तो 10 में से 7 का स्कोर होते हैं तो आप मान के चलो कि आपके बच्चे सही है, ठीक है। सो नॉर्मली मदर्स क्या है, मदर्स के ऊपर भी काफी सारी रिक्वायरमेंट होती है। मदर्स कई बार होता है मिल्क तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन हो सकता है कि मिल्क सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, तो आपके पपीज का ग्रोथ हो रहा है लेकिन बहुत तेजी से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि आप सप्लीमेंट करेंगे उनको, मिल्क रिप्लेसर से रॉयल कैनिन मिल्क है। अच्छा सप्लीमेंटेशन में कोई लोग बोलते हैं ना तो उठा करके काउ मिल्क को डाइल्यूट करके या गोट मिल्क को डाइल्यूट करके, देखो क्या क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। अगर काउ और गोट मिल्क को देखो तो नहीं ह्यूमन मिल्क के आसपास आते हैं, इसमें क्रूड प्रोटीन का जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कम होता है। एक पपी को ऑलमोस्ट ह्यूमन बेबी की तुलना में 12 टाइम्स मोर प्रोटीन चाहिए, ऑलमोस्ट कैल्शियम डबल चाहिए, तो अगर हमने उसमें पानी मिला दिया तो और डाइल्यूट हो गया, तो उसमें क्या होगा, आपने प्रोटीन नहीं दिया वो तो बच्चे और कमजोर हो जाएंगे। प्लस हमारे में चलो इसमें भी बच्चे हैं इनमें भी थोड़ा लैक्टेज एंजाइम होता है, लेकिन ह्यूमन बेबीज में, गोट्स की बेबीज में या फिर काउज में उनमें लैक्टेज एंजाइम थोड़ा भरपूर होता है। अगर हमने यहाँ दे दिया तो यहाँ फर्मेंटेशन होगा, पेट फूलेगा, डायरिया होगा, प्रोटीन होगी, डेथ हो जाएगी। प्लस उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जितने भी पपीज हैं उनका इंटेस्टाइन तो बहुत अच्छे से डेवलप होता नहीं है, अगर डायरिया हो गया 1-2 दिन गलती से भगवान खुदा ना खास्ते रह जाए उनकी इंटेस्टाइन की स्लपिंग हो जाएगी, अगर इंटेस्टाइनल स्लपिंग हो गई तो भाई बचाना बहुत मुश्किल है। इसी केस में हम लोगों ने एक और फूड हमारा को आया है रिप्लेसमेंट में, देखिए पपी प्रोटेक्ट, तो पपी प्रोटेक्ट में हम लोगों ने 2-3 चीजें ऐड करी है, ठीक है। एक 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 टेक्निक बोलते हैं चिकन एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट, उसमें क्या किया, उसमें हम लोगों ने पहले उसको पार्वोवायरस से इनोकुलेट किया, उसका जो एंटीबॉडी जब उसके अंदर बन गई उस एंटीबॉडी को निकाल दिया, उसके बाद ड्राइड एग
के साथ उसको वापस इस टेम्परेचर में डाल करके हमने इस फूड पर रखा। अच्छा, इस फूड की खास क्या खास बात यह है, ये बिल्कुल मिमिक करता है जो बीचेस का फर्स्ट में जिसको क्लस्टर बोलते हैं ना, ये उसको मिमिक करता है। है नहीं बीचेस में नहीं है, लेकिन ये उसको मिमिक करता है। ये आपको एंटीबॉडी का सपोर्ट देता है, ये आपको इसके अलावा जो मिल्क की जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है सबको सपोर्ट करता है, सारे मिनरल्स और विटामिंस की जो रिक्वायरमेंट है वो सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चीज है कि अगर किसी को पार्वो वायरस को सबसे ज्यादा फिर डेथ पार्वो से हो सकती है उस पर्टिकुलर एज में, हमें पहले से पार्वो के एंटीबॉडी उसको पिला एंटीबॉडी पार्वो होने के चांसेस में बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग ने ये बताया कि अगर कोई बच्चा लगता है कि मर जाएगा आप उसी को दे दो, चांसेस ज्यादा 80% चांसेस कि वो बच्चा बच जाएगा। तो अगर ये 6000 का बॉक्स है और अगर आपका एक पपी बच जाता है तो कम से कम उससे डबल तो जरूर देखा जाए, राइट? इट्स नॉट अबाउट, लेकिन एक लाइफ बचाने का जो आपको सेटिस्फेक्शन होगा वो तो है। ठीक है जी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपसे ना से ये लर्निंग बोथ वे होती है। कई बार आप लोग कई बार ऐसी ऐसी चीजें हमें भी सिखा जाते हो जो हम किसी दूसरे ग्रुप में जाके बताते हैं कि हमने वहां पे यह सीखा, लुधियाने में यह सीखा, इस तरीके से। और ये इतना अगर आप इस नोबल प्रोफेशन में हो तो आप इसको बिल्कुल प्रोफेशन की तरह प्रोफेशनली हैंडल करो, अच्छा यूज करो, अच्छे प्राइस पर कॉफी को बेचो। आज से स्टार्ट पे इतने सारे अच्छे रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है, उनके साथ टच में बन प्लेस बनाओ। नॉलेज बेस के लिए आरसी का जो बर्थन ग्रोथ प्रोग्राम है उसको रजिस्टर करो, रॉयल कैनिन एकेडमी से नॉलेज गेन करो। अमेजिंग लाइफ अच्छी रहे। थैंक यू।